नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं चिपन। आम बजट 2020 के दस्तावेजों की छपाई सोमवार को हलवा रस्म के साथ शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा रस्म में भाग भी लिया। इसके साथ ही बजट की छपाई अत्यंत गोपनीयता के साथ शुरू हुई है। सीतारमण के अलावा वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हलवा रस्म में भाग लिया, जिसका आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में किया गया था। बजट 1 फरवरी को संसद में पेश होगा। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश करेंगे इस बार। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2019 में चुनाव बाद बजट पेश किया था। बता दें कि आम बजट इस साल ऐसे समय में पेश होगा जब देश की आर्थिक विकास दर 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है और लगातार कमजोर मांग के कारण आर्थिक सुस्ती बनी हुई है। आपको बता दें कि हर साल बजट क्यों बनाया जाता है और बजट क्या है। हम आपको बता दें कि बजट एक ऐसा शब्द जो कि आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम या कोई भी खर्चे या निवेश का बजट बनाकर ही करता है। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है तथा हर वर्ष सरकार जनता के सामने अपना बजट प्रस्तुत करती है। बजट सरकार और प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके लिए बजट भविष्य के लिए की गई वो योजना है जो पूरे साल की राजस्व और अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपने व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत करती है। एक आदर्श बजट वह होता है जिसमें किसी का स्वार्थ ना हो। सरकार द्वारा उस बजट में लोग, व्यापार, सरकार, देश, बहुराष्ट्रीय संगठन के लिए, एक व्यक्ति, परिवार, समूह के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाई गई हो तथा खर्च और निवेश में किए गए हो। प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार पूर्व में ही योजना बना लेती है जिसमें सरकार की आय के स्रोत जैसे विभिन्न विभिन्न करों की वसूली या टैक्स, राजस्व से आय, सरकारी फीस, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि सभी आय और इन आय को वापस जनता के लिए लगाना बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, गरीबों और बेरोजगारी को दूर करना, असमानताओं को दूर कर आय का सही योजनाओं में उपयोग करना, बाजार में मूल्य और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, अन्य सभी क्षेत्रों, रेल, बिजली, वित्त, अनाज, खाद्य पदार्थ, बैंकों के लिए भी फंड रखना। आम बजट में सरकार पूरे साल भर का वित्तीय लेखा जोखा पेश करती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि असल में बजट कितने तरह के होते हैं। पहला बजट होता है आम बजट। आम बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। इनके अंतर्गत सरकार अपने साल भर का लेखा जोखा संसद के सामने पेश करती है। बजट एक तरह से भविष्य के लिए की गई योजना है जिसके अंतर्गत सरकार अपने राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाकर पेश करती है। बजट में सरकार के साल भर के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है जिसमें सरकार अपने साल भर के खर्च और आय के बारे में संसद को बताती है। सरकार के द्वारा पेश किया गया कोई भी बिल बजट हो या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है। बजट शब्द का जन्म लैटिन शब्द बुल्गा से हुआ है। इसका मतलब चमड़े का थैला होता है। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। आजाद भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चिट्ठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अब बात करेंगे अंतरिम बजट के बारे में। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट को अनुच्छेद 116 के तहत पेश किया जाता है। इसमें सरकार किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाती। बजट में सरकार कुछ महीने का खर्च चलाने के लिए विभागवार आवंटन कर धनराशि की मांग संसद के सामने रखती है। इस बजट में सरकार कोई नीतिगत फैसला भी नहीं लेती है। भारत के संविधान में अंतरिम बजट का कोई जिक्र नहीं है। आजाद भारत में पहली बार अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने साल 1962 और 1963 में सरकार के सामने रखा था। इसी तरह साल 1991 में पीपी सिंह की सरकार गिर जाने के बाद यशवंत सिन्हा ने अंतरिम बजट पेश किया था। अब बात करेंगे शून्य आधारित बजट के बारे में। शून्य आधारित बजट बनाने की एक विधि है। इसके अंतर्गत सभी मदों पर पूरी तरह से नए सिरे से विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत न तो पुराने खर्च पर विचार किया जाता है और न ही पिछले साल के व्यय को आगे भविष्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आमतौर पर इस बजट को तब पेश किया जाता है जब देश के बजट में घाटा लगातार बढ़ता जा रहा हो और इसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। इस बजट में कमी या फिर वृद्धि के स्थान पर यह तय किया जाता है कि खर्च किया जाए या ना किया जाए।
अब बात करेंगे चौथे बजट की, निष्पादन बजट की। निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है और किस कीमत पर कर रही है। इन सभी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। इस बजट में आय व्यय की जगह का परिणाम को आधार बनाया जाता है। इस बजट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह की देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।